आपके साथ। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने देशी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। 30 सितंबर को कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया। महायुति सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। कैबिनेट की बैठक में देशी गायों के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का फैसला लिया गया। गौशाला अपनी कम आय के चलते ये खर्च नहीं उठा सकती थी, इसलिए फैसला लिया गया है। नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा कि वैदिक काल से भारतीय संस्कृति से देशी गाय के महत्व हैं। मानव आहार में देशी गाय के दूध की उपयोगिता आयुर्वेद चिकित्सा पंचगव्य उपचार पद्धति और जैविक कृषि प्रणालियों में देशी गाय के गोबर और गोमूत्र के अहम स्थान को देखते हुए देशी गाय को राज्य माता गोमाता घोषित करने की मंजूरी दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसके पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तारीखों का ऐलान अगले महीने होने की उम्मीद है। राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा उन्होंने शिवसेना यूबीटी मनसे बसपा एएपी समेत 11 पार्टियों से मुलाकात की। सभी पार्टियों ने मांग की है कि दिवाली देव दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।